गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू यर ई वी एस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट रीडिंग ऑफ चैप्टर ट्वेंटी फोर पॉल्यूशन टुडेज टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन एज इट्स सोर्स इन द माउंटेन्स अ स्ट्रीम इज स्पार्कलिंग एंड क्लियर जैसे कि सोर्स होता है माउंटेन से एक स्ट्रीम भी क्या होता है स्पार्कलिंग और क्लियर वाटर होता है

रबिश इज़ ओफन डंप्ड इन रिवर्स जो रबिश या जो गार्बेज होता है उसे रिवर्स में डंप कर दिया जाता है डेट मीन्स थ्रो किया जाता है सी हेयर द लिटर्ड बैंक ऑफ अ रिवर रिवर का जो बैंक है या कॉर्नर है रिवर का वहाँ पे देखो किस तरह से रबिश को डंप किया हुआ है वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड माइन्स आर पाइप इन रिवर्स जो वेस्ट मटीरियल होता है फैक्ट्रीज और माइन से उसे रिवर्स में पाइप किया जाता है इवन द ओशंस बिकम डम्प्स वेयर ऑल द डर्ट ऑफ द रिवर्स गो एलॉन्ग विद इट जो ओशन् वो भी डम्प हो जाते हैं बिकॉज वहाँ पर रिवर्स से जितना भी डर्ट होता है वहाँ पर चला जाता है पॉल्यूट वाटर किल्स मैनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओशन और जो पॉल्यूट वाटर है उसकी वजह से ओशन में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं कोरल इज़ अ रॉक लाइक थिंग फॉर्म्ड इन द सी बाय सर्टेन स्मॉल एनिमल्स कोरल एक रॉक लाइक थिंग होता है जो फॉर्म होता है सी में बिकॉज ऑफ सर्टेन स्मॉल एनिमल्स कोरल रीफ्स आर बैंक्स ऑफ कोरल जो कोरल रीफ्स होते हैं ये बैंक होते हैं कोरल के द टॉप ऑफ विच कैन समटाइम्स बी सीन जस्ट अबव द सी जिसका जो टॉप है वो सी ए जस्ट अबव देखा जा सकता है वन टेंथ ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीव्स हैव नाउ बीन सो सीवियरली डैमेज बाई पॉल्यूशन दैट दे विल नेवर रिकवर फ्रॉम इट वन टेंथ ऑफ वर्ल्ड जो कोरल रीफ हैं वो इतनी तरह बैडली डैमेज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन कि वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकते समटाइम्स शिप्स कैरिंग ऑयल एक्सीडेंट्स इन द ओशन और ड्रोन कभी कभी जो शिप कैरी करते हैं ऑयल्स उनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो ओशन में डूब जाते हैं द ऑयल दैन स्पिल्स इंटू द ओशन जो ऑयल है वो स्पिल हो जाता है स्पिल मीन स्प्रेड वो ओशन में स्प्रेड हो जाता है और वो किल करता है या हार्म करता है थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स ओशन प्लांट्स और एनिमल्स को सी हियर यू कैन सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन दिस पिक्चर व्हेन ऑयल फॉर्म्स अ टॉप लेयर देयर इज नो ऑक्सीजन जब ऑयल फॉर्म करता है एक टॉप लेयर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता सो साइंटिस्ट ट्राई टू क्लियर अप द ऑयल स्पिल बाई यूजिंग केमिकल्स टू ब्रेक अप द ऑयल और इसीलिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऑयल को क्लियर करने की कोशिश करते हैं बाई यूजिंग केमिकल्स सो डैट जो ऑयल है वो ब्रेक हो जाए ट्री डिड यू नो यूकेलेप्ट ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड ऑल अलॉन्ग सीवेज पॉइंट एज दे आब्जॉर्ब वेस्ट वाटर एंड रिलीज़ प्योर वाटर इन द एन्वायॉयरमेंट जो यूकेलेप्ट ट्रीज़ हैं वो प्लांट करने चाहिए हमें सीवेज पॉइंट के साथ बिकॉज वो ऑब्जॉर्ब करते हैं वेस्ट वाटर को और रिलीज़ करते हैं प्योर वाटर को इन द एन्वायॉयरमेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स में एक वाटर बॉडीज डर्टी एंड स्मेली जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो वाटर बॉडीज़ को डर्टी और स्मेली बना देते हैं ऑल एक्वेटिक लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई इन पॉल्यूट वाटर एंड बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेंट जितने भी एक्वेटिक लाइफ है चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो वो वाटर पॉल्यूट वाटर में ही डाई कर जाते हैं या किल हो जाते हैं पॉल्यूट वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग वी नो डैट पॉल्यूट जो वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल ही अनफिट है इट कैन कॉज डिजीजेज़ लाइक कोलेरा टाइफॉइड जॉन्डस एंड डायरिया और इससे किस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं कोलेरा टाइफॉइड जॉन्डस एंड डायरिया प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन किस तरह से हम वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज वाटर पॉल्यूशन को हम बिलो गिवन वेज से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज शुड भी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इट इन टू वाटर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सीवेज है उसे पहले ट्रीट करना चाहिए वाटर में रिलीज करने से पहले यूजिंग लेस केमिकल्स फॉर फार्मिंग फार्मिंग के लिए लेस केमिकल्स का यूज़ करना डोंट वॉश और बाथ विथ सोप एंड डिटर्जेंट्स इन रिवर वाटर रिवर वाटर में हमें क्लोथ्स को वॉश नहीं करना चाहिए विध डिटर्जेंट्स और हमें बाथ भी नहीं लेना चाहिए विथ सोप स्टॉप थ्रोइंग वेस्ट इन वाटर बॉडीज और जो भी गारबेज या वेस्टेज है हमें वाटर बॉडीज़ में थ्रो नहीं करना चाहिए नाउ लेट अस रीड अबाउट लैंड पोल्यूशन लैंड और सॉयल इज प्रीशियस एज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन इट जो लैंड और सॉइल है वो बहुत ही प्रीशियस है बिकॉज प्लांट्स और एनिमल्स उनमें रहते हैं लैंड पॉल्यूशन इज कॉज बाय कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मटीरियल्स फ्राम इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड जो लैंड पॉल्यूशन है वो किस लिए होता है बिकॉज ह्यूज अमाउंट में सॉलिड वेस्ट मटीरियल्स इंडस्ट्रीज और हाउड होल्ड से निकलता है ओवर यूज़ ऑफ़ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डैट पॉल्यूट सॉइल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ बिकॉज ऑफ डैट क्या होता है सॉइल पॉल्यूट हो जाता है एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ बिग स्केल और फॉरेस्ट को कट करना वो भी एक बिग या लार्ज स्केल में हाउस होल्ड रिफ्यूज इज़ मेड अप ऑफ फूड स्क्रैप जो हाउस होल्ड रिफ्यूज़ है उसे कैसे बनता है फूड स्क्रैप से ब्रोकन बॉटल से टिन्स और पीसेस ऑफ हेयर पेपर एंड क्लोथ ये सारा जो हाउस होल्ड गार्बेज है वो हाउस होल्ड रिफ्यूज इस तरह से बनता है ओके नाउ इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन वेस्ट लेफ्ट इन एन ओपन एरिया मेक्स द प्लेस अगली जब वेस्ट ओपन एरिया में रहता है वो उस प्लेस को अगली बनाता है स्मेली और एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना देता है फॉर हाउस फ्लाइस कॉकरोचेज और रैट्स के लिए दीज एनिमल्स स्प्रेड डिजीजेज़ बाई कैरिंग जर्म्स फ्राम रिफ्यूज डम्प्स टू आर फूड और ये जर्म्स ये जो एनिमल्स होते हैं ये डिजीज को स्प्रेड करते हैं ये जर्म्स कहाँ से कैरी करते हैं रिफ्यूज डम्प्स से और इसे कहाँ तक पहुँचा देते हैं फूड तक एंड बिकॉज ऑफ डैट हमारा जो फूड है वो इन्फेक्टेड हो जाता है नाउ लेटस रीड अबाउट हाउ टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन हाउस होल्ड एंड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे जो हाउस होल्ड और फैक्ट्रीज़ है ये ह्यूज अमाउंट में वेस्ट एवरी डे प्रोड्यूस करता है द रिफ्यूज़ इज कलेक्टेड बाय द वर्कर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी जो रिफ्यूज़ है उसे कलेक्ट किया जाता है बाय वर्कर्स कहाँ के वर्कर्स से म्युनसिपैलिटी वर्कर्स कलेक्ट करती है रिफ्यूज़ मीन्स जो भी आपका गारबेज है स्पेशल ट्रक्स कलेक्ट द रिफ्यूज़ एंड ब्रिंग इट टू लैंडफिल्स विच यूजली लाइव फार अवे फ्रॉम सिटीज़ एंड टाउन जैसे म्यूनसिपैलिटी वर्कर्स हमारे घर से सारा गार्बेज लेके जाते हैं आफ्टर डैट इस तरह के स्पेशल ट्रक्स होते हैं जो ये सारा रिफ्यूज़ सिटी का या किसी टाउन का कलेक्ट करते हैं और इन्हें सिटी के बाहर किसी लैंडफिल में थ्रो कर दिया जाता है जो कि सिटी या टाउन से काफ़ी बाहर होता है At टाइम्स द garbage ऑफ द टाउन और सिटी इज़ बर्न आफ्टर इट इज़ कलेक्टेड इन वन प्लेस कभी कभी ये भी होता है कि जिस तरह से इस तरह से पूरी सिटी का गारबेज कलेक्ट होता है उनको बर्न कर दिया जाता है in some countries the waste is dumped in swamps or large pits and is covered with layers of earth किसी किसी country में जितना भी ये garbage होता है उसको कैसे collect किया जाता है large pits खोदे जाते हैं मतलब गड्ढा किया जाता है and जितना भी garbage है उन pits में डाल दिया जाता है और वो earth के layers में covered हो जाता है the principles of three R should be followed by everybody हमें थ्री आर्ट्स का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए डेट इज़ वट वॉट डज थ्री आर मीन्स रिड्यूज रीयूज एंड रीसाइकिल द फर्स्ट आर स्टैंड फॉर रिड्यूज विच मीन्स क्रिएट एज लिटल वेस्ट एज पॉसिबल हमें कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए द सेकेंड आर स्टैंड फॉर रीयूज जो सेकेंड आर है वो स्टैंड करता है रीयूज के लिए विच मीन्स कि हमें रिपेयर और यूज़ री यूज़ करना चाहिए थिंग्स को एज फार एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे अ थिंग वी शुड कंसिडर द ऑप्शन ऑफ गेटिंग इट रिपेयर किसी भी थिंग को थ्रो करने से पहले हमें एक सेकेंड ऑप्शन सोचना चाहिए कि हम उसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं द थर्ड आर स्टैंड फॉर रीसाइकिल और जो थर्ड आर है उसको मतलब होता है रिसाइकिल करना वेन अन वॉन्टेड थिंग्स आर पुट इन टू न्यू यूज जब अनवॉन्टेड थिंग्स को हम न्यू यूज में अपने लाइफ में लेके आते हैं वी से डैट दे आर रिसाइकल। उसे हम कहते हैं रिसाइकल करना लाइक प्लास्टिक कवर्स और ट्यूब्स आर सेंट टू रिसाइकलिंग फैक्ट्री जो प्लास्टिक कवर्स और ट्यूब्स होते हैं इन्हें रिसाइकलिंग फैक्ट्री में भेजा जाता है वे आर न्यू प्रोडक्ट लाइक टॉयज आर मेड आउट ऑफ इट जिसमें से न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है जैसे कि टॉयज वी रिड्यूस पॉल्यूशन विद रीसाइकिंग बिकॉज द मोर वी रिसाइकिल थिंग्स द लेस रबिश देर विल बी टू थ्रो अवे और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिड्यूस करें पोल्यूशन को बाय रिसाइकलिंग बिकॉज हम जितनी थिंग्स को रिसाइकिल करेंगे उतना ही लेस रबिश हमें थ्रो करना पड़ेगा मतलब उतना ही गारबेज रिड्यूस होगा एंड बिकॉज ऑफ डैट पॉल्यूशन भी कंट्रोल में आएगा ओके स्टूडेंट्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड आ चैप्टर पॉल्यूशन In this, we have read about air pollution, water pollution, and land pollution. Go through this chapter properly. Okay, students, thank you and goodbye.